नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मूसेवाला का भोग पड़ चुका है और उसके पिता ने बार बार मंच से एक ही बात जो वहां पे शोक सभा में लोग आए हुए थे उनके सामने कही कि उसके बेटे की तोड़ मरोड़ के कहानियां ना बनाएं। ये उन्होंने मीडिया वालों को कहा और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी आ रही हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि उसके बेटे की कहानियां कुछ इस तरीके से बनाई जाए जैसा कि वो नहीं था। जो भाव उस समय उनके मन से जागे वही उन्होंने सबके सामने रखे, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के गैंग ने मूसेवाला के कत्ल की साजिश रची है कि पुलिस को उलझा के रख दिया है। पुलिस सब तरफ घूम के अभी वहीं खड़ी है जहां उसके हाथ खाली है। पुलिस कत्ल से पहले मूसेवाला की मुखबरी करने वाले क्रिमिनल केकड़ा और शूटर के मददगार मनप्रीत सिंह समेत 8 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है और केस के मास्टरमाइंड बिश्नोई से इस समय पूछताछ हो रही है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें रिमांड पे लिया हुआ है और 8 शूटर्स की पहचान भी हो गई है जिन्होंने 29 मई को मूसेवाला पर गोलियां बरसाई थी। लेकिन इतने रोज के बाद भी आज जब उनकी 13वीं भी हो गई है को गिरफ्तार करने के नाम पे पुलिस के हाथों में कुछ नहीं है, उसके हाथ खाली है। और लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की जो गैंग है उन्होंने पुलिस को बुरी तरह से उलझा के रख दिया है। इस समय लॉरेंस और बरार ने अलग अलग शहरों से ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से शूटर्स का एक ऐसा ग्रुप तैयार किया हुआ है जिन्होंने पहले साथ में किसी वारदात को अंजाम नहीं दिया था और ना ही एक दूसरे को ठीक से जानते थे। ये भी उनकी एक साजिश का ही हिस्सा है कि जो शूटर्स हैं आपस में एक दूसरे को जानते नहीं हैं। पुलिस बता चुकी है कि इस शूट आउट के लिए हथियारों का बंदोबस्त राजस्थान के जोधपुर से किया गया था और हथियारों के इंतजाम के लिए लॉरेंस के साथियों ने जोधपुर के नामी बदमाश रंजीत राका और विजय से कॉन्टैक्ट किया था। पुलिस ये भी जान गई है कि सिद्धू मूसेवाला की रेकी और शूट आउट के लिए गाड़ी की जरूरत थी और उसी में से एक गाड़ी बलेरो भी राजस्थान के सीकर से ली गई थी जिसकी तस्वीर सबसे पहले सीसीटीवी पे देखी जा चुकी है। नसीब खान का नाम बदमाश उस बलेरो गाड़ी को लेकर के राजस्थान से हरियाणा के फतेहाबाद में चरणजीत को दी और चरणजीत ने वो गाड़ी फिर पंजाब के कातिलों को दी, मतलब जो कातिलों की टोली थी जो हत्या करने वाली थी उनको पकड़ा दी। और इसके बाद शूटरों के पास एक करोला टोयोटा गाड़ी थी, इसके बारे में भी पुलिस को पता चल चुका है, उसे भी अलग अलग हाथों से पंजाब तक पहुंचाया गया था। अब ये जो एक प्लानिंग है ये बहुत ही टाइट प्लानिंग है कि एक गाड़ी पहले एक जगह जाती है, वहाँ से उसे कोई दूसरा लेता है, वहाँ से उसके बाद कोई तीसरा लेता है और तीनों के ही आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। किसी को ये नहीं पता कि ये गाड़ी किसके लिए जा रही है। जाहिर सी बात है पुलिस इसमें अपना पूरा दिमाग खपा रही है लेकिन उसके हाथ अभी भी खाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार पुलिस में दबिश दे रही है, गिरफ्तारियां कर रही है, मौके पे जा रही है पूरी। उसके बावजूद अभी तक अब जब मूसेवाला का भोग आज हो चुका है उसके बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। दोस्तों आपको ये कंटेंट कैसा लगा? सभी की नज़रें मूसेवाले के केस पर लगी हुई हैं इसीलिए मैंने आपके साथ ये अपडेट शेयर किया है। आपको जो भी कहना है मेरे कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। फिलहाल इतना ही, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।